तो दोस्तों, अगर आप Redmi का मोबाइल यूज़ करते हैं और आपके मोबाइल में एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है, ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है, या दोस्तों आपका मोबाइल में ऑटोमेटिक रिबूट का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और इससे आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार के प्रॉब्लम को कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है, तो दोस्तों आप यहां पे सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक रिबूट या ऑन ऑफ वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको कैसे आप यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप क्या गलती करते हैं जिसके चलते ये प्रॉब्लम आती है, और उस गलती को अगर आप यहाँ पर पकड़ लीजिएगा तो कभी भी अब आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक रिबूट वाला प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पे बात करते हैं कि आप अपने मोबाइल में कौन से ऐसे सेटिंग को ऑफ कीजिएगा जिसके चलते आपको मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन ऑफ वाला प्रॉब्लम ना मिले। तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सिंपली सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लेता हूं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद सबसे पहले मैं यहां पर मोबाइल के सेटिंग में जाऊंगा। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करूंगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैटरी का। आप देख सकते हैं ये जो बैटरी वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको बैटरी सेवर और बैटरी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आप बैटरी वाले पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नीचे में ऑप्शन देखने को मिलेगा शेड्यूल पावर ऑन और ऑफ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर ये ऑप्शन आपका यहाँ पे इनेबल किया गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम सेट किया हुआ रहता है, इस टाइम में आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन होता है और ऑटोमेटिक ऑफ होता है, तो इस फीचर को आपको यहाँ पे बंद कर देना है। अगर दोस्तों ये सेटिंग में आपको ऑप्शन ना मिले तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सिक्योरिटी एप्लीकेशन में चले जाना है, और सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाने के बाद बैटरी एंड परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है, देन आपको बैटरी में जाना है, देन आपको शेड्यूल पावर ऑन ऑफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ये दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पर बंद करके ऊपर में ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे क्लिक कीजिएगा देख सकते हैं ये ऑप्शन यहां पे बंद हो गया है। तो ये ऑप्शन बंद करने के बाद आपके मोबाइल में ऑन ऑफ वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ऑन ऑफ वाला प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये सेटिंग बंद करने के बाद भी आपका मोबाइल ऑटोमेटिक रिबूट हो रहा है तो आपको क्या यहां पर आगे प्रोसेस करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के थीम में चले जाना है, और थीम में जाने के बाद आपको प्रोफाइल में जाना है, और प्रोफाइल में जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे थीम पे क्लिक करता हूँ, और थीम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई भी थीम को अप्लाई करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी थीम को अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे थीम को अप्लाई करने के दौरान अगर आपको यहाँ पे एक इशू देखने को मिलता है, कॉम्पेटेबल इशू, इस प्रकार का अगर आपके पास मैसेज आता है तो उस थीम को आपको यूज़ नहीं करना है। अगर उस थीम को आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा और बाई चांस अगर आप अपने मोबाइल को एक बार ऑन या ऑफ कर देते हैं तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक रिबूट वाला प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, जो डिफॉल्ट आप यहाँ पे थीम यूज़ कर रहे हैं उसी को आपको यहाँ पे अप्लाई करके रखना है। उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ से बैक होता हूँ, और बैक होने के बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट पे जाता हूँ, और अगर आप यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई यहाँ पे फॉन्ट को यूज़ करते हैं, काफ़ी पुराने फॉन्ट को यूज़ करते हैं, तो फॉन्ट को यूज़ करने के बाद अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर रिबूट वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है, रिबूट वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर पुराने कोई भी फॉन्ट को यूज़ कीजिएगा तो तब भी यहाँ पर ऑटोमेटिक रिबूट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इसलिए आपको यहाँ पर डिफॉल्ट जो भी आपका यहाँ पर फॉन्ट है उस फोन को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक रिबूट वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है वो नहीं आएगा। चलिए अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या कंप्लीट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपके मोबाइल में काफ़ी सारे डिफॉल्ट एप्लीकेशन है, और उस डिफॉल्ट एप्लीकेशन में काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, अगर उस एप्लीकेशन का आप यहाँ पे बेटा टेस्टिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तभी आपके मोबाइल में यहाँ पे ऑटोमेटिक रिबूट वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे गूगल डायलर है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऐप्स इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वर्सन में देख सकते हैं लास्ट में लिखा हुआ है पब्लिक बेटा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई भी बेटा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या बेटा मान लीजिए एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तब भी आपके मोबाइल में यहाँ पे ऑटोमेटिक रिबूट वाला प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो अगर इसको बंद करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे फ़ोन यहाँ पे सर्च कर लेना है, या जो भी एप्लीकेशन में बेटा लिखा हुआ है उस एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है, और नीचे में आपको लीव वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर प्ले स्टोर में लीव वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो जिस एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है उस पर आप टैप करें, देन आप एप्स इन्फॉर्मेशन में जाए और उसको अनइंस्टॉल अपडेट कर देना। ये करने के बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ,
आपको यहाँ पे अब स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन का स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे चेक कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल में ट्रू कॉलर यूज़ कर रहे हैं तो ट्रू कॉलर क्या करता है कि आपके मोबाइल का जितना भी यहाँ पे परमिशन है उसको लेता है। उसके अलावा दोस्तों, ट्रू कॉलर आपके मोबाइल का जो भी डिफॉल्ट यहाँ पे फ़ोन डायलर है, फ़ोन कॉन्टैक्ट है, फ़ोन मैसेज है, उसको ब्लॉक करता है, जिसके चलते क्या होता है कि आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक रिबूट वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रू कॉलर यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आपको अनइंस्टॉल कर देना है, और जो डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे फ़ोन मिला है, गूगल कॉन्टैक्ट मिला है, उसको आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों, अगर आप ये स्टेप को अगर फॉलो कीजिएगा तो आपके मोबाइल में कोई भी रिबूट वाला प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और लास्ट में दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर उसके बाद भी आपका यहाँ पे सोल्यूशन नहीं होता है, देन आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट फोन पे क्लिक करना है, देन आपको MIUI वर्सन पे जाना है, और MIUI वर्सन पे जाने के बाद 3 डॉट पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिबूट वाला, एक बार अपने मोबाइल को रिबूट कर लेना। ये ऑप्शन अगर आपको नहीं दिखे तो जो MIUI वर्सन दिख रहा है उसके नीचे में आपको 7 से 8 बार टैप करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो टैप करने के बाद एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, देन आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और रिबूट टू रिकवरी मोड वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल को एक बार यहाँ पे रिबूट कर लेना है। बस ये काम अगर आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मोबाइल में दोबारा यहाँ पे रिबूट वाला प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।